ऐसा लग रहा है मानो दुनिया भर में चुनावी मौसम चल रहा है। एक तरफ भारत में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए, वहीं यूरोपियन पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ। अब ब्रिटेन की बारी है। जुलाई में होने वाले आम चुनावों से पहले वहां हिंदू मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। 32 पेज का ये डॉक्यूमेंट यूके में बसे हिंदुओं की जरूरतों पर बात करता है, इसलिए इसे हिंदू मैनिफेस्टो भी कहा जा रहा है। पिछले कुछ समय में हिंदुओं के साथ कथित तौर पर हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ी, कई रिपोर्ट्स भी इस पर ठप्पा लगाती हैं। खुद लीडिंग ब्रिटिश थिंक टैंक हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने पिछले साल दावा किया था कि ब्रिटेन में बसे मुस्लिम स्टूडेंट्स हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते और उन्हें कन्वर्ट होने के लिए कहते हैं। इसके लिए देश के 1000 से ज्यादा स्कूलों का सर्वेक्षण और लगभग इतने ही पेरेंट्स से बात की गई। वहां रहने वाले करीब 50% अभिभावकों ने माना कि मजहब के चलते उनके बच्चों को स्कूल में नफरत झेलनी पड़ी। यहां तक कि कई स्कूलों ने भी अपनी अंदरूनी रिपोर्ट में माना कि उनके कैंपस में बीते 5 सालों में हिंदू विरोधी सोच बढ़ी है। साल 2023 में ही अमेरिकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि बीते समय में तेजी से एंटी हिंदू नैरेटिव तैयार हुआ और हिंदुओं पर हमले में थोड़ी बहुत नहीं लगभग 1000 गुना तेजी आई, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं की आबादी कितनी है? अब बात करते हैं कि ब्रिटेन में कितने हिंदू हैं। साल 2021 के सेंसस के अनुसार यहां 10 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी है। साल 2011 में ब्रिटेन की कुल जनसंख्या का 1.5% हिंदुओं का था। अगले 10 सालों में ये बढ़कर 1.7% हो गया। वहां ईसाई और मुस्लिम के बाद हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ब्रिटेन के हिंदू मैनिफेस्टो में क्या है? इसमें आने वाली सरकार से 7 मांगे की गई है। हिंदू हेट क्राइम की घटनाओं को धार्मिक नफरत की तरह पहचानना और ऐसे लोगों को सजा देना, पूजा स्थलों को सुरक्षा देना और मंदिरों के लिए सरकारी फंडिंग, हिंदुओं की मान्यताओं आस्थाओं को आने वाली पीढ़ी तक ले जाने के लिए फेथ स्कूल तैयार करवाना, सरकार और सार्वजनिक स्थलों पर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, पुजारियों से जुड़े वीजा के मामलों को सुलझाना, सामाजिक सेवाओं में हिंदुओं को शामिल करना, धार्मिक मान्यताओं को पहचानना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। इसमें कई और मांगे भी हैं, जैसे नए सांसद ब्रिटिश हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर कानून लाने से पहले हिंदू संगठनों से बातचीत करें, हिंदू दाह संस्कार के प्रोसेस में प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की मांग है ताकि मौत के 3 दिन के भीतर दाह संस्कार का काम हो सके। आम चुनावों से पहले विरोध पर क्यों उतरे लोग? बढ़ते हेट क्राइम की घटनाओं के बीच ब्रिटेन में रहते हिंदू इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि सरकार में उनके मुद्दों का रिप्रेजेंटेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा। यही वजह है कि पहली बार कोई हिंदू मैनिफेस्टो लाया गया। हालांकि आते ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया। घोषणा पत्र रिलीज होने के साथ ही वहां के कैंपेनिंग संस्थान नेशनल सेकुलर सोसाइटी ने दस्तावेजों की आलोचना करते हुए कहा कि आने वाली सरकार को इन्हें सिरे से रिजेक्ट कर देना चाहिए। सोसाइटी ने यहां तक कह दिया कि अगर मैनिफेस्टो अमल में आ जाए तो फ्री स्पीच को नुकसान होगा क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।